हेलो फ्रेंड्स, एडवांस जावा सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी। तो सबसे पहले जेडीबीसी स्टैंड्स टू जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अभी यहाँ पे जेडीबीसी का फुल फॉर्म ही जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है। दैट मींस हमें जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए जेडीबीसी का यूज करना है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जेडीबीसी एक ऐसी एपीआई है जो क्लासेस और इंटरफेस प्रोवाइड करती है जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। नाउ नेचुरली हमारे माइंड में वो क्वेश्चन अराइज होता है कि हम जेडीबीसी का यूज क्यों करते हैं जबकि हम कोई भी टास्क जावा एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। तरह से हम कोई भी जावा एप्लीकेशन करते हैं तो उसका कोई पर्पस होता है और उस पर्पस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है और वो इनपुट के ऊपर हमारे जावा एप्लीकेशन कोई वर्कआउट करती है और हमें कोई प्रिसाइज आउटपुट देती है। यानी कि हमारा जो भी इनपुट है वो हम कोई भी इनपुट डिवाइस की मदद से ले सकते हैं और हमारा आउटपुट है वो हम कोई भी आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं। नाउ लेट अस से अगर हम कीबोर्ड से इनपुट एंटर करें, अगर हम माउस से इनपुट एंटर करें, अगर हम फाइल से इनपुट एंटर करें, तो वो सभी चीज हमारी जावा एप्लीकेशन कर देती है और हमारा जो भी आउटपुट है वो आइधर मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले हो, आइधर प्रिंटर के ऊपर डिस्प्ले हो या फिर कोई और आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले हो सकता है, तो वो भी काम हम जावा एप्लीकेशन की मदद से कर सकते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने जो इनपुट इंसर्ट किया है और हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो हमारी जावा एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है क्योंकि वो डेटा टेम्पररी स्टोरेज के अंदर होता है। लेकिन हम ये टास्क फाइल की मदद से कर सकते हैं जहां पे हमारा डेटा जावा एप्लीकेशन का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाने के बाद भी परसिस्ट हो सकता है। लेकिन जब हम फाइल के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर डेटा को स्टोर करना या फिर डेटा को रिट्रीव करना हो तो वो एक डिफिकल्ट टास्क है। यानी कि हमें सर्टेन ऐसी चीज चाहिए जो हमें इजीली इनपुट दे सके और हमारा जो भी आउटपुट हो वो इजीली सेव कर सके, तो उसी लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ती है। यानी कि डेटाबेस एक ऐसी चीज है जहां पे हमारा डेटा एक वेल फॉर्म मैनर के अंदर स्टोर होता है और वो वेल फॉर्म मैनर और कुछ नहीं है लेकिन टेबल है। अभी नेचुरली हमारे माइंड में वो क्वेश्चन अराइज होता है कि डेटाबेस तो काफी तरीके के होते हैं जिसके अंदर हम MySQL, MS Access और Oracle जैसे डेटाबेस को ले सकते हैं। यानी कि हमारी जेडीबीसी की एपीआई कुछ ऐसे होनी चाहिए जो किसी भी तरह के डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सके, तो इसीलिए जेडीबीसी हमें जावा क्लासेस और इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं जो किसी भी डेटाबेस के साथ इजीली कनेक्ट हो सकता है। यानी कि जेडीबीसी खुद एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंटिटी है जो कि जावा के अंदर रिटर्न है। यानी कि हम सिर्फ जावा एप्लीकेशन के अंदर जेडीबीसी एपीआई का यूज करें तो हम इजीली कोई भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यानी ये डेटाबेस का जो भी पोर्शन है वो जेडीबीसी कैसे हैंडल करती है वो हमें ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जेडीबीसी यहाँ पे हमें एब्स्ट्रैक्शन की फैसिलिटी देती है। तो ये एब्स्ट्रैक्शन की फैसिलिटी जेडीबीसी कैसे प्रोवाइड करती है एज वेल एज जेडीबीसी का पूरा आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सो आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर जेडीबीसी का बेसिक नॉलेज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।